नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। पिछले महीने पश्चिमी अफ्रीका के माली की एक महिला की डिलीवरी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। 25 साल की हलीमा नाम की इस महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। डिलीवरी में कुछ दिक्कतें होने की वजह से वहां की सरकार की तरफ से महिला का मोरक्को में इलाज कराने के विशेष इंतजाम किए गए थे। जन्म के बाद बच्चों की हालात भी नाजुक बनी हुई थी। हालांकि अब खबर है कि इन सारे बच्चों की सेहत में बहुत सुधार आया है। हालांकि ये 9 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मोरक्को के इस अस्पताल ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि 4 मई को एक माली महिला ने जिन 9 बच्चों को जन्म दिया उनकी सेहत अच्छी हो रही है, लेकिन उन्हें 2 महीने और निगरानी में रखने की जरूरत है। एन बोर्जा क्लिनिक के प्रवक्ता अब्दिल कुद्दस हाफसी ने बताया कि ये 9 बच्चे अब बिना किसी मेडिकल उपकरण के सांस ले रहे हैं। वो सांस लेने में होने वाली दिक्कत से उबर चुके हैं। हाफसी ने बताया कि बच्चों को ट्यूब के जरिए दूध दिया जा रहा है और उनका वजन अब बढ़कर 800 ग्राम और 1.4 किलोग्राम के बीच हो गया है। इन 9 बच्चों में 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। बच्चों की माँ इनके पास ही रह रही है। हाफसी ने बताया कि इन बच्चों को बिना किसी चिकित्सा सहायता के जिंदगी शुरू करने में अभी 1.5 से 2 महीने का समय और लगेगा। 10 डॉक्टर और 25 नर्सों की मेडिकल टीम ने ऑपरेशन के जरिए ये डिलीवरी कराई है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।